बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जी हम चूजों को जो है वो वैक्सीन करेंगे। मैं आज वैक्सीन करने लगा था तो मैंने सोचा कि आप भाइयों को भी वीडियो बना के तो शेयर कर दी जाए कि आपको भी ताकि पता चल सके कि किस तरह से चूजों की जो है वो वैक्सीन करनी है। आज जो है मैं NDIV की जो है वैक्सीन करूंगा, लाइव वैक्सीन जो कि पानी में मिलाकर कतरा पिलाते हैं या आंख में डालते हैं, तो उसका मुकम्मल तरीकाकार वैक्सीन कैसे हमने तैयार करनी है और चूजों को कैसे पिलानी है, कैसे उनको जो है वो इसकी डोज देनी है, वो सारी आज की वीडियो में जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं NDIV की सबसे पहले जो आपने अगर घरों में जो चंद मुर्गियां रखी हुई हैं घरेलू पैमाने पे, तो उनके लिए सिर्फ जो है वो तीन बेसिक जो वैक्सीन होती हैं जिनमें NDIV, ND-Lasota रानीखेत की और तीसरी गंभोरों की वैक्सीन जो है वो इनफ होती हैं, काफी होती हैं। और उन्हें जो है वो घरों पे जो जिन्होंने चंद मुर्गियां रखी हैं उनको जो है वो प्रॉपर जो वैक्सीन का शेड्यूल होता है जो कि पोल्ट्री फार्म पे फॉलो किया जाता है, जो सारी वैक्सीन जो पोल्ट्री फार्म पे की जाती हैं उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। घरेलू पैमाने में जो तीन बेसिक जो वैक्सीन होती हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं वही काफी होती हैं। तो इसलिए आज सबसे पहली वैक्सीन जो है वो मैं चूजों को करने लगा था NDIV की, उसके बारे में बताऊंगा कि वो किस तरह से करनी है, वो कैसे उसको बनाना कैसे है। तो वीडियो आज की जो है वो शुरू करते हैं। अच्छा, इधर आपको एक बात वाजह कर दूं कि इस आज की वीडियो में जो है वो वैक्सीन का प्रॉपर जो मुकम्मल एक जो उसको कैसे करना है, उसको बनाना कैसे है, डिटेल्स उसके बारे में आपको बताऊंगा। चूजों को वैक्सीन करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से वैक्सीन करनी है। अच्छा, दो तरीके से आप जो है वो वैक्सीन कर सकते हैं, जो मैं तीन बेसिक जो वैक्सीन बताई है दोनों तरीकों से जो है वो ठीक रहती है। एक तो ये है कि आप जो उनका पीने का पानी होता है उसमें मिक्स कर दें कि वो खुद ही पी लेते हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो आप एक एक बर्ड को या एक एक चूजे को पकड़ के उसकी आंख में और उसके मुंह में चंद कतरे डाल दें, तो ये दोनों तरीके कामयाब है। जो कतरे डालने का फायदा ये होता है कि इससे आपको 100% जो है वो श्योरिटी हो जाती है कि आपके हर एक बर्ड को जो है वैक्सीन हो गई है। अगर आप पानी में डाल के मिक्स करके उन्हें पीने के लिए दें तो उससे आप 100% ये नहीं कह सकते कि जो सारे बर्ड हैं या सारे चूजे हैं उन्होंने पानी पिया कि नहीं पिया। आजकल वैसे भी सर्दी आ चुकी है तो इस वजह से कंफर्म नहीं किया जा सकता कि मुर्गियां वैसे भी कम पानी पीती हैं, तो बंदा 100% कह नहीं सकता कि सारे बर्ड्स ने जो है वो पानी पी लिया और सबको वैक्सीन हो गई है। इसलिए जो है मैं आज एक एक बर्ड को एक एक चूजे को पकड़ के उसकी आंख में और उसके मुंह में वैक्सीन के जो है वो चंद ड्रॉप्स डालूंगा ताकि इससे मुझे 100% श्योरिटी हो जाए कि सारे के सारे जितने भी बर्ड्स हैं वो उन सबको वैक्सीन हो गई है। तो आज NDIV की वैक्सीन जो है वो करेंगे। तो जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। डेली बेसिस पे मुर्गियों की बीमारियों से मुतालिक उनको उनकी मैनेजमेंट के हवाले से, उनकी खुराक के हवाले से, मल्टीविटामिन्स के हवाले से वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वैक्सीन तैयार करते हैं, आपको साथ साथ दिखाता भी हूँ। ये दिखाएं जी, ये मैं लेके आया था, इसमें वैक्सीन है, ये डायमंड में मिल जाएगा, ड्रॉपर मिल जाएगा। इसमें जो है वो पानी होता है जो वैक्सीन के लिए इस्तेमाल होता है ब्लू कलर का, और ये इसके अंदर वैक्सीन है। अच्छा, जब भी आपने वैक्सीन लेके आनी है आपने एक प्रॉपर जो है उसमें शॉपर में उसको कहना है कि आपने बर्फ डाल के दे, क्योंकि वैक्सीन को जो है वो स्टोर करने का जो टेम्परेचर होता है वो 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री के जो है वो दरमियान स्टोर करते हैं। अगर इससे ऊपर जो है वो टेम्परेचर हो जाए तो वो वैक्सीन गर्म होने की वजह से उसके अंदर जो वायरस होता है वो मुफीद वायरस जो होता है वो एक्सपायर हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो वैक्सीन एक्सपायर हो जाती है और उसके करने का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए आपने जब भी वैक्सीन लानी है, जब आप लेके आ रहे हो तो आपने उसके अंदर बर्फ दिलवानी है, और दूसरे नंबर पर घर पे लाके तो 2 डिग्री से जो है वो 8 डिग्री के दरमियान टेम्परेचर पे स्टोर करनी है। कोशिश करें कि जिस दिन आपने वैक्सीन करनी है उसी दिन आप लेके आए स्टोर से, और उसकी आपने एक्सपायरी डेट चेक करनी है कि वो एक्सपायर ना हो, तो उसको आपने खास ख्याल रखना है। और उसका जो ऊपर लेबल लगा होता है वैक्सीन के ऊपर में, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये क्लोज करके दिखाएं जी, ये मेडिवैक की जो है वो NDIV की वैक्सीन है। इसके ऊपर ये जो लेबल लगा हुआ है ये आप अपने पास रख के तो उसके ऊपर स्टोर कर लें, उसके ऊपर आप डेट लिख लें ताकि आपको कंफर्म रहे कि आपने कब वैक्सीन की थी। तो इसको तैयार करते हैं, आए जी दिखाएं। ये सबसे पहले इसका ऊपर वाला कैप आपने उतारना है, अल्मोनियम फॉयल जो है वो लगी हुई है इसके ऊपर, वो उसको आपने जो है वो उतार लेना है। ये वाली जो है ये मैं इसके ऊपर किसी चीज से उतार के तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी अल्मोनियम की फॉयल मैंने ऊपर से उतार ली है, अब क्या करेंगे, अब ये जो है डायलमेंट लिया हुआ है, नीचे करके दिखाएं जी, ये डायलमेंट को हम खोल के तो इसमें से जो है वो कुछ जो है वो पानी इसके अंदर डालेंगे। तो इधर दिखाएं, इसके करीब करके दिखाएं, इसके अंदर अब डालेंगे पानी। तो मैं साथ साथ आपको तरीकाकार बता भी रहा हूँ और गौर से समझिएगा ताकि आप भी जो है वो वैक्सीन ठीक तरह से कर सकें।
इसके अंदर आपने जो है वो थोड़ा सा पानी डाल लेना है ताकि आप इसमें वैक्सीन हल कर सकें। ये क्लोज करके दिखाएं जी, ये देखें इसके अंदर मैंने जो है वो पानी डाल लिया इतना सा। इसको दोबारा आपने बंद करना है और अच्छी तरह से आपने इसको ऐसे मिक्स करना है। इसके अंदर वैक्सीन उसी टाइम पे जो है वो हल हो जाएगी। अच्छा, वैक्सीन जब भी आपने खरीदनी है उसके अंदर आपने गौर करना है कि उसके अंदर एक बकायदा प्रॉपर जो है वो टिक्की जमी हुई हो, तो फिर आपने खरीदनी है। अगर वो टिक्की टूटी हुई है या वो उसकी बिगड़ी शक्ल है तो वो आपने खरीदनी नहीं है, वो एक्सपायर हो चुकी होगी। तो ये देखें जी, इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये हल करनी है आपको, आपने इसको हल करना है। ये देखें, आपको स्क्रीन पर साथ साथ दिखा भी रहा हूँ। इसको आपने जो है वो गर्म नहीं होने देना, इसको आपने ठंडा रखना है, क्योंकि जब भी वैक्सीन अगर गर्म हो गई तो वैक्सीन वो एक्सपायर हो जाती है, उसके करने का कोई फायदा नहीं होता, उसका कोई असर नहीं होता। ये देखें जी, बिल्कुल ये जो है वो इसके अंदर मिक्स हो गई है। अब आपने क्या करना है, दोबारा से इसको खोलना है वैक्सीन की। ये अब इसका जो आपने डायलमंड लेके आए हैं ड्रॉपर, तो इसके अंदर आपने इसको शामिल कर देना सारी को। ये देखें, ये खाली होगी। एक दफा दोबारा आपने इसके अंदर डाल के, तो एक दफा दोबारा इसको जो है वो शामिल कर लें। ये लें जी, ये हमारी वैक्सीन जो है वो तैयार हो गई है। अब इसको जो है वो चूजों को लगाएंगे। ये लाइव वैक्सीन है, जो किल्ड वैक्सीन होती हैं वो उनका इंजेक्शन लगता है, टीका लगता है। ये लाइव वैक्सीन होती हैं जो हम पानी में शामिल करके दो जो है वो बर्ड्स को देते हैं। ये आप इसको आपने फेंक देना, जला देना या जो भी करना फेंक दें इसको। अब ये हमारे पास ड्रॉपर रह गया, इसके अंदर हमने अब जो है वो वैक्सीन मिक्स कर ली है, वैक्सीन इसके अंदर ऐड हो गई है। अब इस नीडल की मदद से ऊपर आपने एक सुराख कर लेना, ये सुराख हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर वैक्सीन है, इसको आपने ठंडे पानी में, एक बर्तन दिखाएं जी, ऐसा कोई बर्तन ले लेना है, उसके अंदर पानी आपने ठंडा डाल के तो उसके अंदर इसको रखना है, क्योंकि ये गर्म नहीं होनी चाहिए। तो ये अब हमारी वैक्सीन तैयार हो गई है, दिखाएं जी वैक्सीन हमारी जो तैयार हो गई है। अब ऊपर चलते हैं और जो चूजे हैं और जो बड़ी मुर्गियां हैं सबको जो है वो NDIV की वैक्सीन करते हैं। आपको सारा तरीकाकार भी समझाऊंगा कि किस तरह से आपने चूजे को पकड़ना है, किस तरह से आपने वैक्सीन लगानी है। ये वैक्सीन जो है वो आज की मैं कतरा जो है वो आंखों में और उनके मुंह में चंद ड्रॉप्स डालूंगा। अच्छा जो है उसके बाद ये एक तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार मैंने पहले भी आपको बताया कि आप उनका जो पीने का पानी है, अगर गर्मियां हैं तो आप आधे घंटे की प्यास दें उनको, और अगर सर्दियां हैं तो एक से डेढ़ घंटे की प्यास देके तो उसके बाद पानी में शामिल करके तो उनको आप उसको जो है वो दे सकते हैं, चूजों को वैक्सीन कर सकते हैं। वो तो मैंने दोनों तरीकाकार आपको बता दिए हैं कि किस वजह से मैं आज ये जो है वो कर रहा हूँ एक एक बर्ड को पकड़ के। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आप इससे जो है वो 100% श्योर हो जाते हैं, आपको श्योरिटी हो जाती है कि हर एक बर्ड को वैक्सीन हो गई है। तो ऊपर चलते हैं, चूजों को वैक्सीन करते हैं, तो साथ साथ फिर आपको मैं ऊपर चल के दिखाता हूँ। ये जी ऊपर आ गए हैं, तो ये दिखाएं जी, इधर इसके अंदर चूजे जो हैं वो बंद किए हुए हैं, तो उनकी अब बारी बारी पकड़ के तो वैक्सीन करते हैं। साथ साथ मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता भी हूँ। तो ये इसमें सारे चूजे हैं, तो वैक्सीन पकड़ के, ये वैक्सीन है, तो आए जी इधर। अब बारी बारी सारे चूजे पकड़ेंगे और सारा आपने गौर से समझना है, तरीकाकार आपने देख लेना है किस तरह से हमने जो वैक्सीन करनी है। तो आप साथ साथ आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा, एक एक चूजा पकड़ूंगा और सबकी जो है वो वैक्सीन करूंगा। ये वही चूजे हैं जिनकी आपको मैं वीकली जो है वो हर हफ्ते की ग्रोथ की वीडियो जो है वो शेयर करता रहता हूँ, अपलोड होती रहती हैं। लास्ट टाइम जो है वो चौथे हफ्ते की जो है वो वीडियो बना के शेयर की थी आपके साथ। तो ये वही चूजे हैं, उनकी आज वैक्सीन करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, चूजा पकड़ना है, उसके जो आई दिखाएं जी, क्लोज करके दिखाएं, चूजे को दिखाएं। ये देखें, ये वैक्सीन है, एक आंख में इधर कतरा डाल देना है, कुछ सेकंड के लिए कतरा पकड़ के आपने पकड़ के रखना है इसको। ये देखें उसके आंख, ये देखें साथ साथ पी रहा है, उसके आंख के जरिए उसके जो है वो जिस्म में चला जाएगा। एक एक कतरा इधर डाल देना है और एक कतरा दूसरी आंख में डाल के, एक मिनट जी, ऐसे इसको पकड़ के आपने रखना है। ये देखें, एक ऐसे पकड़ते हैं इसको, अब इधर डालेंगे एक कतरा। ये देखें जी, देख आप भी देखिएगा, ये साथ पी लेगा। दोनों आंखों में आपने एक एक कतरा डाल देना है, उसके बाद आपने चंद दो चार कतरे जो हैं वो इसके मुंह में डाल देने हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपने एक कतरा डालना है, दो कतरे डालने हैं, कि पांच कतरे डालने हैं, उसका कोई इशू नहीं है कि आपने कितना पिलाना है।
ये देखें जी, दोनों आंखों में से कतरा डाल दिया। अब इसके मुंह में भी जो है वो 3-4 कतरे डाल देंगे ताकि कोई कसर ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए। इसका मुंह भी अब खोलेंगे और एक मिनट ये मैं दिखा रहा हूँ आपको साथ साथ। ये देखें ऐसे मुंह खोलना है आपने, क्लोज करके दिखाएं जी, और इसके मुंह के अंदर जो है वो 3-4 कतरे डाल देने हैं, 1, 2, 3 और 4। ये देखें 4 कतरे इसको इसको जी NDIB की वैक्सीन हो चुकी है। अब इसको बाहर छोड़ देंगे और एक और चूजा एक और पकड़ के आपको फिर दिखाता हूँ। एक चूजा और पकड़ेंगे, ये देखें ये वाला चूजा एक और पकड़ लिया मैंने, इसको भी मैं करके दिखाता हूँ। एक आंख में कतरा इधर डालेंगे, दोनों आंखों में एक एक कतरा डालेंगे। ये देखें एक कतरा इधर हो गया, और दूसरा कतरा एक कतरा इधर से अंदर इसके जिस्म में चला गया, दूसरा कतरा अब इस आंख में डालेंगे। इसको थोड़ा सा मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि ये कंफर्म हो जाए। ये बात आपने जब भी जो है वो चूजे को वैक्सीन करनी है पकड़ पकड़ के, आपने एक साइड पे बंद कर लेने हैं किसी पिंजरे में वगैरह में ताकि वो मिक्स ना हो, ताकि आपको कन्फर्म रहे। ये देखें इस चूजे चूजा को वैक्सीन हो गया है तो अब ये अलग रहेगा। अभी एक कतरा जो है वो इस आँख में डालेंगे, दूसरी आँख में डाल दिया मैंने। साथ ही जब आपने एक ड्रॉप डाल देना, कतरा डाल देना, साथ ही आपने उसको जो है वो इस ठंडे पानी के अंदर रख देना है ड्रॉपर को। अब आंख से अंदर चला गया कतरा, अब इसका मुंह खोलेंगे और 3-4 कतरे इसके मुंह में डाल देंगे। ये देखें जी, क्लोज करें जी, 1, 2, 3, 4 कतरों का कोई इशू नहीं है, जितने मर्जी आप कतरे पिला दें। ये देखें जी, इसको भी मुकम्मल वैक्सीन हो गई है NDIB की। अब ये जी दो चीज़ों को जो है वो वैक्सीन हो गई है। अब मैं बारी बारी सब चीज़ों को पकड़ के तो वैक्सीन करके तो फिर बाद में आपको जो है वो दिखाता हूँ। ये जी माशाल्लाह से सारे चूज़ों को जो है वो मैंने पकड़ के वैक्सीन कर ली है। ये दिखाएं जी, सारे चूज़े इधर बैठे हुए हैं, सबको एक एक चूज़े को, ये बड़ी मुर्गी को जो है वो वैक्सीन कर ली है मैंने। तो इसके बाद जो है वो आपके पास जितने भी बर्ड्स हों, जब भी आपने वैक्सीन करनी है, कोई भी वैक्सीन करनी है, चाहे आपने मुख्तलिफ एज के मुख्तलिफ छोटे चूज़े भी हैं, दरमियानी उम्र की मुर्गियाँ भी हैं, बड़ी उम्र की मुर्गियाँ भी हैं, आपने सबको कोई एक बर्ड भी जो है वो आपने छोड़ना नहीं है, चाहे वो बड़ा है या छोटा है। अब ये चूज़ों को दिखाएंगे, उधर चूज़ों को वैक्सीन की है। इसके बाद ये अभी इनको करेंगे वैक्सीन, वाइट जैपनीज को। इसके अलावा इधर आए जी, ये कुछ है जो है वो कल चूज़े परसों हैच हुए हैं, गोल्डन सबराइट के चूज़े इस मुर्गी के नीचे हैं, मैं वो भी आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, एक मिनट इसको मैं बाहर निकाल कर फिर। ये माशाल्लाह से ये गोल्डन सबराइट के चूज़े इसके नीचे से हैच हुए हैं, तो इनको भी वैक्सीन करेंगे। इसके अलावा जो ऊपर शेड में अंडों वाली मुर्गियां हैं, उनको भी सारे को वैक्सीन करेंगे। जो भी यानी कि जितने भी, कहने का मकसद ये है कि जितने भी आपके पास बर्ड्स हों, छोटी उम्र के हों, बड़ी उम्र के हों, आपने जब भी वैक्सीन करनी है सबको वैक्सीन करनी है। वैक्सीन अपने बर्ड्स को लाजमी इस्तेमाल करवाया करें। इधर मैं 2-3 बातें आपके साथ शेयर कर दूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपने वैक्सीन अपने बर्ड्स को तब करनी है जब आपके जो फ्लॉक है, आपके पास जो चूजे हैं, मुर्गियां हैं, वो सब के सब हेल्थी हैं, उनको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, तब आपने वैक्सीन करनी है। अगर किसी एक बर्ड को भी जो है वो कोई बीमारी है, कोई मसला है, कोई नज़ला है, जुकाम है या कोई और बीमारी है, तो आपने वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं करनी। वैक्सीन हमेशा जो है वो सेहतमंद और हेल्थी बर्ड्स को की जाती है, इसलिए आपने जो है वो इस बात का खास ख्याल रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके जो बर्ड्स हैं वो बीमार होते हैं, या वो उनको कोई और बीमारी होती है तो वो वैक्सीन ला के कर देते हैं, ये सरासर गलत है। इसके अलावा जो एक तो बर्ड जो है वो बीमारी की वजह से पहले स्ट्रेस में होता है, और वैक्सीन खुद एक स्ट्रेस होता है, तो वो स्ट्रेस उसका और मजीद जो है वो बढ़ जाता है, तो इस तरह वो बर्ड जो है वो रिकवर करने की बजाय उसका जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो लिहाजा आपने जब भी वैक्सीन करनी है अपने जो सेहतमंद बर्ड है, तब वैक्सीन करनी है जब फ्लॉक में आपके फ्लॉक में एक भी बर्ड जो है वो बीमार ना हो या कोई किसी किस्म का मसला ना हो। तो ये थी आज की वीडियो जी। वैक्सीन मैंने आपको सारी तरीके से जो है वो सारी डिटेल से बताई है कि वैक्सीन को बनाना किस तरह से है और उसके अलावा वैक्सीन करनी किस तरह से है। तो अच्छा, एक और बात इधर मैं आपको वाजह कर दूं, वैक्सीन का जो टाइम होता है वो 1 घंटा होता है। जब आपने वैक्सीन खोल के उसकी जो वॉयल है उसको खोल के तो वैक्सीन बनाना शुरू कर दी है,
तो तैयार करने के बाद उसका जो एक घंटे का टाइम होता है, एक घंटे के अंदर अंदर आपने उसको इस्तेमाल करना होता है। चाहे आप उनको जो है वो पानी के जरिए खुद पीने के लिए उनको दे रहे हो, चाहे आप ड्रॉपर के जरिए कतरा आंख में और मुंह में डाल रहे हो, आपने एक घंटे के अंदर अंदर उसको इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि उसके बाद जो है वो वैक्सीन के अंदर जो वायरस होता है वो एक्सपायर हो जाता है, तो वैक्सीन जो है वो उसके बाद ज़ाया हो जाती है। एक घंटे के अंदर अंदर जितनी भी वैक्सीन आप कर लें या जो चूजे हैं या मुर्गियाँ हैं वो खुद पी लें तो ठीक ओके है। उसके बाद जो बाकी बचे, अगर पानी बाकी बचता है या ड्रॉपर में कुछ बचता है तो आपने वो ज़ाया कर देना है, उसका जो है वो उसको आपने जो चूजों या मुर्गियों को दोबारा नहीं पिलाना। तो ये थी आज की वीडियो जी वैक्सीन के हवाले से कि किस तरह से उनको चूजों को जो वैक्सीन करनी है, ये जो बिल्कुल जो दुरुस्त तरीका है वो मैंने आपको बताया, इस तरह से आप वैक्सीन किया करें। तो ये थी आज की वीडियो जी, मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कुछ भाई जो है वो वीडियोस देख लेते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।